हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रंजीत, आज मैं अपनी सिलेरियो की सर्विस कराने जा रहा हूँ दूसरी, और ये 5000 किलोमीटर वाली सर्विस होगी। तो दिखा देता हूँ कितनी चली है। इतनी चली है 5000 किलोमीटर पे, और 16 तारीख को इसके 6 महीने दूसरी सर्विस ख़त्म होने को आएगी। तो इतनी चली है, आगे बताता हूँ क्या कितनी कॉस्ट आई। कुछ इस तरह पीछे से, और ये भाई बताऊँ ये लग गई थी, किसी ने मार दी थी खड़ी खड़ी में। तो मैं आपको सर्विस सेंटर पे पहुंच के बताता हूँ क्या कुछ। तो दोस्तों सर्विस हो चुकी है, और ये परसों हुई थी, तो कल रात हो गई थी, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं परसों बना नहीं पाया, और कल मेरे को टाइम नहीं लग पाया तो मैं अब बना रहा हूँ शाम को, और आपको दिखा देता हूँ। और एक बार अंदर का भी दिखा देता हूँ, और ये कुछ ऐसे आगे से, ये बारिश का मौसम है कुछ इसलिए थोड़ी गंदी है अंदर से। और ये पीछे से, तो दोस्तों जो इसका खर्चा है वो है 0 रुपये, मतलब कोई भी खर्चा है, कोई चार्ज नहीं लगा, सर्विस बिल्कुल फ्री हुई है दूसरी सर्विस। और जो इसका ऑयल चेंज होता है वो 10000 किलोमीटर पे होता है, मतलब ऑयल चेंज जो वगैरह अलाइनमेंट वगैरह जो भी है, कुल मिला के सर्विस मेरे को ठीक लगी। हाँ बस थोड़ी दिक्कत हुई थी, वो क्या था कि शाम को मैं सर्विस करा के लाया, उस दिन रात हो चुकी थी, मैं गाड़ी खड़ी करके अपने घर चला गया, और किसी रिलेटिव ने बताया कि गाड़ी में से स्मेल आ रही है, तो मैंने पास आगे देखा उसमें से स्मेल आ रही थी, ऐसी आ रही थी जैसे गैस लीक हो रही हो, या जैसे सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है वैसी स्मेल आती है, तो वैसी स्मेल आ रही थी। और फिर मैंने मारुति वालों को कॉल किया, और कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि इसको वाल्व बंद कर दो, कल कोई बंदा आएगा चेक करके जाएगा। तो रिस्पॉन्स मेरे को सही लगा मारुति वालों का, और अगले दिन वो बंदा आया देख के गया, लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस टाइम तो स्मेल आ रही थी, फिर बाद में मैंने वॉल बंद कर दिया स्मेल चली गई थी। अगले दिन को बंदा आया तो उसने देखा, कोई दिक्कत नहीं आई, आगे भी बोनट उठा के भी, आगे बोनट जो होता है उसमें गैस का जो मीटर होता है वहाँ पर भी चेक किया, उसमें वहाँ पे भी कोई लीकेज नहीं थी, और पीछे सिलेंडर भी चेक किया वहाँ पे भी कोई लीकेज नहीं थी, और पता नहीं क्यों स्मेल आ रही थी। पर उसके बाद अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसी ही वीडियो देख सकें।